केटीवी प्राइम में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान हुकूमत बन रही है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नया सदर बनाने की खबरें भी इस वक्त गर्दिश में हैं। आइए जानते हैं इस वक्त तालिबान हुकूमत के कुछ सबसे ख़ास और ताकतवर लीडर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर के फर्जंद हैं। मुल्ला उमर, जिन्हें 9/11 का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, और वो उसामा बिन लादन के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को प्लान करते थे और इन्हें तालिबान का सिपहसालार भी कहा जाता है। कि इस वक्त सबसे अहम तरीन लीडर हैं मुल्ला मोहम्मद अब्दुल गनी बरादर। आप इन्हें गुज़िश्ता कई रोज़ से इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर देख रहे हैं। अब्दुल गनी बरादर कतर की जानब से की गई अमन कोशिशों में तालिबान की तरफ से स्पोक्स पर्सन थे। अगर ऐसा कहा जाए कि अब्दुल गनी बरादर मौजूदा तालिबान के पानी हैं तो गलत ना होगा। अब्दुल गनी बरादर मुल्ला उमर के सबसे करीबी साथियों में से हैं। अब्दुल गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान कराची से गिरफ्तार भी किया गया था और इन्हें 2018 में दोबारा रिहा कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं एक और अहम लीडर जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास, जो कि दोहा निगोशिएशंस के दौरान कतर में नज़र आए और वो भी तालिबान के अहम लीडर्स में से एक हैं। गुज़िश्ता तालिबान दौर में शेर मोहम्मद अब्बास डिप्टी मिनिस्टर तालिबान थे। We are in negotiation with American side and we are trying that the American forces should go out as soon as it is possible. इसके बाद आते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी ग्रुप के अहम तरीन लीडर हैं। हक्कानी ग्रुप तालिबान की अस्करी और माली असासाजात की फराहमी और मुंतकिली करता है। हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अटैक्स में भी शामिल है, जिसमें सरीना होटल अफगानिस्तान का अटैक भी शामिल है, जिसमें कई अमरीकी फौजी मारे जा चुके थे। सिराजुद्दीन हक्कानी पर हामिद करजई पर किए जाने वाले 6 कातिलाना हमलों का भी इल्ज़ाम है। इसके बाद आते हैं हैबतुल्ला अखंडज़ादा, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इन्हें बहुत से मार्कों का सुप्रीम लीडर भी माना जाता है। 2010 में अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद उन्होंने तालिबान लीडरशिप में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हैबतुल्ला अखंडज़ादा तालिबान के सियासी और अस्करी मामलों को देखते हैं और उन्हें सर अंजाम देते हैं और वो एक बहुत ही कमाल के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो व्यूअर्स, ये थे तालिबान के सबसे अहम लीडर्स जो कि इस वक्त तमाम कमांड संभाले हुए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए KTV प्राइम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।